हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी शॉर्ट्स। तो आज मैंने डिनर में बनाई है कढ़ी। हमारे देश में सभी के घरों पर अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। कोई पंजाबी स्टाइल बनाता है, कोई मारवाड़ी स्टाइल बनाता है, कोई राजस्थानी स्टाइल बनाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपको अपने तरीके से कढ़ी बनाना बताऊँ। तो कढ़ी को मैंने सब छाछ से बनाई है। छाछ मैंने थोड़ी सी अलग करके पहले बेसन और हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर अच्छे से मिक्स करके इसे घोल बनाकर बाकी की कढ़ी में ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने पकौड़ों के लिए बेसन घोल लिया है। उसमें मैंने अजवाइन, हल्दी और नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, प्याज और हरी मिर्च डालकर पकौड़े का जो बैटर है वो तैयार कर लिया है। कढ़ी को पकने के लिए रख दिया है। कढ़ी अच्छे से उबल जाए उसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन कुटा हुआ और साबुत धनिया, स्वाद अनुसार नमक और दो हरी मिर्च कटी हुई। उसके बाद पकौड़े हमने बना लिए हैं। पकौड़े बनाने के बाद हमने गरम गरम तेल में पकौड़े को डाल दिया है और उसके बाद तड़के में हमने एक चम्मच जीरा, हींग और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से तड़का लगा दिया है। इस वीडियो की अगर फुल डिटेल आपको चाहिए तो जाकर मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही कुकिंग की